हाँ दोस्तों, कैसे हैं? आज 7 तारीख है, 7 अप्रैल 2019। आज ये कुछ पोर्टफोलियो एनालिसिस करते हैं कुछ शेयरों पे, जैसे कि येस बैंक हुआ, टाटा मोटर्स हुआ, वेदांता हुआ, ग्रासिम हुआ, यूनाइटेड ब्रिवरीज हुआ। इन पे कुछ पैटर्न, कुछ ना कुछ पैटर्न बन रहा है जो कोई आपको हो सकता है कि कमिंग डेज में आपको या तो गेन देगा। पोर्टफोलियो में क्या है आपके पास है, तो कैसे उसको रखना है, वॉचलिस्ट रखना है, ये वॉचलिस्ट शेयर के रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक पैटर्न बना है वीकली या डेली बेसिस पे। तो इसको हम एक बार देखते हैं, आपके पास है अगर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक, तो आपको स्पेशली उस पर ध्यान रखना चाहिए कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ हलचल हो रही है। तो इसको पोर्टफोलियो एनालिसिस या पोर्टफोलियो वॉचलिस्ट के रूप में आप इसको देख सकते हैं कि आपके पास अगर पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है तो ये कैसा कर रहा है, परफॉर्म या करने वाला परफॉर्म है। टाटा मोटर्स को देखते हैं, पहले वीकली बेसिस पे देखते हैं टाटा मोटर्स क्या कर रहा है। यहाँ पे एक फॉल का पैटर्न था, इंडिसेसिव पैटर्न बना, और इन सबों को कवर करते हुए टाटा मोटर्स ऊपर की ओर 205 के रूप में ऊपर की ओर निकल गया, जो कि 194 पे इसको यहाँ पे बहुत बड़ा रेसिस्टेंस था, 194-96 इसको क्रॉस करते हुए ये ऊपर की ओर निकल गया, लेकिन जाके फिर से फंस गया ये जा करके, और ये फंस गया यहाँ पे जो गैप अप है इसका, इस गैप को नहीं क्रॉस कर पाया और लगभग 205-206 के पास जाकर के यहाँ पे वापस फंस गया जहाँ से ये नीचे की ओर आया था। तो जब तक ये 200 इस लेवल को मेंटेन करता, चूंकि ये इसके ये बाहर निकला है 196 के ऊपर निकला है, तो जब तक इस लाइन को मेंटेन करता है वो, तब तक तो ठीक है। अगर नीचे फॉल होता है तो वापस वो अपने नीचे, बॉटम है ही इसका 167 है, और ऊपर की ओर गए तो ऊपर 180 के आसपास आते ही रहता है, 180 के आसपास। तो इस गैप को इसको तोड़ने के लिए, लेकिन एक चीज जो जानना जरूरी है, ये अभी हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में दिखा रहा हो, कोई खेल दिखा रहा हो, ऊपर नीचे नहीं कर रहा है या कर रहा है, लेकिन आप इस दिन के वॉल्यूम को देखिए, इस वीक के वॉल्यूम को अगर देखेंगे, अगर यहाँ वॉल्यूम में आपको दिखाओ तो किस तरह से वॉल्यूम ने यहाँ पे क्रिएट हुआ है, तो कहीं ना कहीं टाटा मेटल्स में कुछ इनसाइड कुछ हो रहा होगा। और ये बहुत दिनों के बाद अपने लेवल को तोड़ा है 196-197 को, तो अगर ये कुछ इसमें है तो बहुत जल्दी आपको इस लेवल को 250 की ओर जाते हुए ये आपको दिख सकता है। लेकिन अगर कोई न्यूज़ है इसमें, इंटरनल न्यूज़ है, तो अगर नहीं है और वापस अगर ये नीचे की ओर जाता है तो ये 195 का आपका स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 194 का, और अगर ये नीचे की ओर जाता है तो वापस कोई बात नहीं, जाने दीजिए फिर इसको। तो कहीं ना कहीं आपने देखेंगे डेली वीकली बेसिस पे इस जो 196 का था इसको क्रॉस करते हुए भी वह बाहर निकला है। तो 195 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट टर्म के लिए आप इसको वॉचलिस्ट में रख सकते हैं। टाटा मोटर्स में कोई ना कोई हलचल हो रही है, तो टाटा मोटर्स पे वॉचलिस्ट पे रखें। और देखें यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए भी देखें तो 183 का स्टॉप लॉस लगा लें लॉन्ग टर्म के लिए, अगर किसी के पास है, फॉल करता है तो 160 तक जा सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो है आपके पास है वो है यस बैंक। यस बैंक क्या कर रहा है, यस बैंक को अगर वाच देखने की कोशिश करें तो डेली बेसिस पे एक ये हाई बनाया, और हाई बनाने के बाद जो यहाँ पे गैप था, ये गैप देखिए, ये 290 का एक गैप था, मैं अपने वीडियो में पहले भी बताया था 288 के आसपास ये गैप था यहाँ पे, तो ये गैप को ये क्रॉस नहीं कर पाया और यहीं से वापस ये फॉलो होना चालू हो गया इस गैप के बाद, और कहीं ना कहीं जो प्रॉफिट बुकिंग थी वापस इसमें हावी हो गई। बहुत दिन से ये अपसाइड एक अप ट्रेंड देखिए, यहाँ से लेकर के कंटिन्यू एक अप ट्रेंड के चैनल में था, और इसने कहीं ना कहीं चैनल को ब्रेक कर दिया। अगर इसके चैनल को देखें तो, अगर आपको ट्रेंड बताएं तो यहाँ से इसने किसी न किसी तरह से ट्रेंड इस चैनल को ब्रेक कर दिया। एक बार 10 मिनट, अगर आप देखेंगे तो देखिए ये चैनल जो था,
तो कहीं ना कहीं इसने इस चैनल को ब्रेक करके नीचे की ओर, यस बैंक ने अपने चैनल को ब्रेक करते हुए नीचे की ओर जाने की कोशिश की और रेडिंग, और ये कंटिन्यू थ्री रेड रेड जिसको थ्री कॉज भी बोलते हैं, तो थ्री आउटसाइड डाउन ब्रिज भी बोलते हैं, तो ये थ्री आउटसाइड डाउन ब्रिज भी बना चुका है। तो इसमें एक यस बैंक में हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग जो लोग नीचे लिए होंगे, आप समझिए जो इस लेवल पे लिए होंगे 186 पे, वो कितना दिन वेट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वापस आपको नीचे की ओर जाता हुआ दिख सकता है, और वापस प्रॉफिट बुकिंग होगी तो वापस नीचे की ओर अपने जैसा ऊपर गया था वैसे नीचे की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। और नीचे पहले 256, अगर मैं इसको हटा दूँ एक बार, इस चैनल को हटा देता हूँ, तो आप देखेंगे ये वापस हो सकता है कि आपको यहाँ पे 256 और 256 को क्रॉस करता है तो 226 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। ये अपने टॉप को 286 को जाके कहीं ना कहीं टच किया, और वहाँ से टच करने के बाद थ्री ब्लैक, आप देखेंगे डाउन एरो के तीन कैंडल लोअर लो के फॉर्म में बना रहा है, और ये नीचे की ओर एक बार आपको देखने को मिल सकता है। वापस 256 पे देखिए क्या करता है ये, या तो 256 पे आके स्टे करेगा, अपसाइड ले लेगा, अदरवाइज वहां से फॉल करता है तो वापस 226 की ओर आपको जाता हुआ दिखेगा। वेदांता भी एक अच्छा परफॉर्मर के रूप में रहा, अभी बहुत दिन से, अब वीकली बेसिस पे ये कैंडल है तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत दिन से इनडिसिसिव टाइप का डिसीजन, पहले तो यहाँ वॉल्यूम लेकर यहाँ जो फॉल था, इस दोनों फॉल को यहाँ पे कवर करता है, मेटल सेक्टर ऐसे ही अच्छा चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे फिर कुछ दिन तक साइलेंट रहता है और इन सारे फॉल को यहाँ कवर करता है और इस बार इसके ऊपर ब्रेक दे देता है। तो वीकली बेसिस पे आप देखेंगे इस कैंडल और ये कैंडल और ये कैंडल को देखेंगे तो ये एक अपसाइड का फॉलो कर रहा है और कहीं ना कहीं एक ऊपर की ओर जाता हुआ आपको निकलता हुआ दिख रहा है। इसको शुरुआत से भी देखेंगे तो एक इसको रेसिस्टेंस है, ये हर बार जाता है 200 के आसपास जाता है, 200 के आसपास वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये एक बार 183 को यहाँ पे देखेंगे अगर वीकली बेस पे, तो 183 को जंप किया है और ऊपर साइड में वीकली बेसिस पे हैमर पैटर्न है, तो कहीं ना कहीं ये 216 की ओर जाता हुआ आपको दिख सकता है। डेली बेसिस पे अगर इसको देखें तो ये अपने टॉप पे है, 191.56 का टॉप है इसका, तो वहाँ पे है। शॉर्ट टर्म के लिए बोलें तो 178 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और ऊपर इसको हो सकता है आपको ऊपर की ओर ये वेदांता जाता हुआ आपको दिखे, 216 की ओर जाते हुए दिखे, जो वीकली बेसिस पे इसका पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे भी एक बाइंग पैटर्न ही बन रहा है वीकली बेसिस पे, आप खुद देखिए यहाँ पे पहले ये फॉल हो रहा था, यहाँ पे कंप्लीट हुआ, और यह कंप्लीट होने के बाद ये फिर से एक बार यहाँ पे इस सारों को कवर करता हुआ ऊपर की ओर चला गया है। तो अगर पहला जो है यहाँ पे 200 पे एक बार यहाँ पे आने दीजिए, 200 पे थोड़ा सा इसको ये सपोर्ट मिलेगा और 200 क्रॉस करता है तो फिर ये एक लेवल को जो है 226 की ओर ज़्यादा हुआ आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला जो आएगा इसका, पहला जो यहाँ पे इसके 200 के आसपास इसको जो है जंप लेगा, यहाँ पे 200 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, और 200 के रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है तो कहीं ना कहीं वापस ये आपको 221 की ओर जाता हुआ दिखेगा। और अगर बोलिंगर बैंड्स में देख लें तो 216 बताता है, तो 216 221 की ओर जाता हुआ वेदांता आपको दिख सकता है। इससे बहुत चांसेस है कि ये ऊपर की ओर जाए, और अगर इसको मंथली बेसिस पर भी देखें तो मंथली बेसिस पर भी देखेंगे तो यहाँ जो एक फॉल था, फॉल ख़त्म होता है, यहाँ से गैप अप फॉल होता है, ख़त्म होता है, इस फॉल को यहाँ कवर किया जाता है और यहाँ अप लेता है, तो कहीं ना कहीं एक अपसाइड चालू हो सकता है आपको वेदांता में दिखे। और अपसाइड कवर करता है तो ये ऊपर की ओर जाता हुआ भी, अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है 200, यही पे देखिए 204 है, 204-205 इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल इसका 216-231 ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर सकता है। तो वेदांता में भी अपसाइड है। ग्रासिम में भी देखें तो यहाँ पे तीन फॉल आपको ये डेली बेसिस पे है, तीन कंटिन्यूस फॉल हुआ, यहाँ पे इंडिसिसिव कैंडल बना, इस यहाँ इंडिसिसिव डोजी कैंडल बनते हुए यहाँ अपसाइड लिया है एक साथ, तो ये कहीं ना कहीं 848 पे CMP है तो 857 पहला आपको दिखा सकता है, 857 अगर ये क्रॉस करता है तो फिर 895 की ओर जाते हुए भी आपको
यहाँ पे दिख सकता है। वीकली बेसिस पे अगर इसको देखने की करें कोशिश करें तो यहाँ कहीं ना प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। ये कंटिन्यू यहाँ से चला हुआ है, 708 से चला हुआ है, तो इसके लिए इसमें क्या करें 803 का स्टॉप लॉस जरूर रख लें। अगर ये गिरता है 803 के नीचे तो स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन रहेगा। डेली बेसिस पे कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न है जो कि 857 की ओर जाता हुआ आपको देख सकता है, क्योंकि यहाँ से तीन फॉल कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे इंडिसिव कैंडल बनता है और यहाँ से अप लिया है, तो कहीं ना कहीं 857 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। एक बार हम यूनाइटेड वेवरेज पे भी देखने की कोशिश करेंगे, यूनाइटेड वेवरेज भी में भी क्या हो रहा है। तो वीकली बेसिस पे देखेंगे तो ये जो भी फॉल था और स्टे था इसको एक सिंगल डे के 25 मार्च को इसने पूरा कवर कर लिया और ये कवर करके ओपन स्काई की ओर ऊपर गया और ऊपर की ओर ही अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये भी 1421 पे काम कर रहा है, तो 1461-1500 की ओर जाता हुआ आपको ये भी देखने को मिल सकता है यूनाइटेड वेवरेज, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इन सबों में जो भी मैंने आपको बताया, एक ओपिनियन बताया कि ये एक कैंडल ऐसा पैटर्न फॉर्म कर रहा है, इन सबों में जो भी आज डिस्कस किया सब में बुलिश कैंडल है, कहीं ना कहीं अपसाइड कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन आपको जो भी बाय करना है विद स्टॉप लॉस करना और मेरे बोलने से नहीं करना, आप खुद एनालिसिस करना और फिर उसको करना। ऐसे पोर्टफोलियो में अगर आपका है तो वॉच लिस्ट रखें, मैं वीकली बेसिस पे आपको ये पोर्टफोलियो एनालिस्ट वॉच लिस्ट आपको बताता रहूँगा। अगर आपको इसमें अच्छा लगे तो और भी कंटिन्यू कर देंगे आपके लिए, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात नहीं, इसको बंद कर देंगे। तो टाटा मोटर्स कहीं ना कहीं एक बुलिश पैटर्न है, लेकिन चूंकि ये टाटा मोटर्स यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है इसको, ये क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो अगर ये क्रॉस करता है तो 216 की ओर, नहीं क्रॉस करता है तो वापस ये नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा 180 की ओर। यूनाइटेड बेवरेज 1500 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। यस बैंक में प्रॉफिट बुकिंग चालू है 256, और अगर वो तोड़ता है तो 226 की ओर। वेदांता अपसाइड ले रहा है 216 की ओर जाता हुआ दिख रहा है। मेटल सेक्टर में भी है ग्रासिम कहीं ना कहीं 830 का स्टॉप लॉस है और इसके ऊपर जाता है तो 857 की ओर जाता हुआ आपको ग्रासिम दिख सकता है। ये सारे सिर्फ ओपिनियन थे, बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कोई भी पोजीशन प्रॉफिट मार्केट में बनाते हैं तो इसमें आपको या आपका पूरा अपना डिसीजन होगा, मेरा कोई भी डिसीजन नहीं होगा। बनाने कोई भी मार्केट में पोजीशन बनाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।